आखिर ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से वनराज उठा देगा काव्या पर हाथ। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है और वनराज को काव्या पर इतना गुस्सा आएगा कि वो उसको लास्ट वार्निंग दे देगा, साथ में उसको अब आगे चलकर सावधान रहने के लिए भी कह देगा कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आखिर इसके पीछे की क्या कहानी, चलिए बता दे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों अब शो में शुरू हो चुकी है होली का फेस्टिवल और यहाँ पर अनुपमा ने रागी की वजह से भांग का ये ड्रिंक पी ली है जिसकी वजह से उसे नशा हो गया है और वो सीधा वनराज के पास जाती है और वो सोचती है कि ये तो बहुत ही डरपोक है, ये डरपोक इंसान, अब मैं तुम्हें रंग लगाने आ रही हूँ। और वो भागती है वनराज के कमरे की तरफ और नॉक करती है। वनराज को लगता है ये तो अनुपमा है, ये तो मुझे रंग लगाएगी नहीं, और वो इस गलत फहमी में दरवाजा खोल देता है। भाई यहाँ पर अनुपमा तो नशे में होती है, उसे कोई होश नहीं होता और वो तो बस रंग लगाने के लिए उसका नशा उस पर सवार होता है और वो यहाँ पर पूरे रूम में यहाँ पर धमा चौकड़ी मचा देती है और डांस करने लगती है। वनराज भी उसका ये नया रूप देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अनुपमा उसके हाथ कहाँ आएगी। वनराज बेचारा उसको परेशान हो चुका है रोक रोक के, लेकिन वो उसके उसे नहीं रुकने वाली। वहीं यहाँ पर अनुपमा की से पहले यहाँ पर काव्या रंग लगाने के लिए वनराज के कमरे की तरफ आ रही होती है लेकिन उसे क्या पता कि अनुपमा ने पहले ही वनराज को कलर लगा दिया है। अब यहाँ पर जैसे ही काव्या दरवाजे पर पहुँचती है वनराज और अनुपमा काफी क्लोज होते हैं और उसके फेस पर लगा हुआ, अनुपमा के फेस पर लगा हुआ और उसकी बॉडी पर लगा हुआ सारा कलर कपड़ों वाला वनराज को लग जाता है जो कि काव्या को बिल्कुल पसंद नहीं आता और काव्या को तिल मिला जाती है गुस्से में। और इसके बाद ने अनुपमा को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं, वो बहुत ही गुस्से होती वनराज से कि वी मैंने तो तुम्हें कलर लगाया नहीं और तुम्हें तो बहुत ही रंगों से ये था वो था। वनराज उसे और यहाँ पर वो काव्या पर अनुपमा पर भी भड़कते हुए नजर आती है जिसके बाद ने वनराज को आ जाता है गुस्सा और वो कह देता है कि ये नशे में है, तुम्हें होश भी है काव्या, तुम तो होश में हो ना, अनुपमा होश में नहीं है इसलिए उसने कलर लगा दिया और वो गलती से सब कुछ हुआ है, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। और काव्या यहाँ पर अनुपमा को काफी कुछ सुना देगी, तुम वी से मुझे वी को मुझसे छीनना चाहती हो ये वो सब कुछ। और काव्या पर यहाँ पर भड़क जाएगा वनराज और कह देगा अनुपमा ऐसा कभी कुछ सोच भी नहीं सकती है, करना तो दूर की बात है, काव्या सोच समझ के बोला करो अनुपमा के बारे में। और यहाँ पर अनुपमा का पक्ष लेते हुए नजर आएगा जो भी काव्या को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। तो भाई आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होगा, अब यहाँ पर ये जो मस्ती वाला माहौल है उसे आप काफी इंजॉय करने वाले हैं। तो कितना है इंतजार आपको इस आने वाले एपिसोड का, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अपडेट जल्द लेकर हाजिर होंगे।